हमारे लाडले बेटे अथर्व मिश्रा को तृतीय जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौजन्य अथर्व न्यूज ग्रुप सागर मध्य प्रदेश। शहर में इन दिनों जहां पहले से ही कई स्थानों पर पेयजल लाइन सहित सीवर लाइन डालने के काम की सुस्ती के चलते जहां काम किया जा रहा है वहां की ट्रैफिक व्यवस्था लड़खड़ाई दे रही है, तो वहीं नो एंट्री के नियमों का भी सख्ती से पालन नहीं होने से यातायात अवरुद्ध हो रहा है और वाहन चालकों को जाम की स्थिति का सामना कर खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस मामले में रोज रोज कहीं ना कहीं बन रहे जाम के हालातों पर अब शहरवासियों में व्यवस्था की निगरानी का जिम्मा संभालने वाले ट्रैफिक पुलिस की उदासीनता पर आक्रोश भी देखा जा रहा है। अगर बात हम नो एंट्री के नियमों की करें तो किसी भी सूरत में दिन के समय शहर के व्यस्ततम यातायात के दबाव के मद्देनजर भारी वाहनों के कुछ मार्गों पर प्रवेश पर रोक लागू है, तो वहीं कुछ मार्ग को चिन्हित कर वन वे आधारित व्यवस्था बनाई गई थी जहां इस मामले में दूर दूर तक जिम्मेदार अमले की व्यवस्था नियम अनुसार चलती रहे, गंभीरता मैदानी स्तर पर नजर नहीं आ रही, जिसके चलते कभी भी कोई भी तय निर्देश का पालन नहीं कर प्रतिबंध के बाद भी नो एंट्री में वाहन प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। सबसे ज्यादा हालात खराब बरनी कॉलोनी से लच्छूतराय तरफ दिखाई दे रहे हैं, जहां ट्रांसपोर्ट वालों का ठिकाना होने से ट्रकों की आवाजाही दिन के समय में जारी रहने और बीच मार्ग पर घंटों वाहन खड़ा करने से लोडिंग अपलोडिंग के खेल के चलते जाम लग रहा है और इस मार्ग से निकलने वाले वाहन चालक सहित पैदल राहगीर जाम में फंस कर परेशानी उठाने को मजबूर हैं। इस मामले में यहां से निकल रहे राहगीर बनी परिस्थिति के लिए प्रशासन और यातायात विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और मामले में अपना आक्रोश भी जाहिर करते हुए स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ते शहर के चरमराई यातायात व्यवस्था पर चुटकी भी ले रहे हैं। मिल रही है ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जब चाहे आपके गाड़ियाँ गुट जाते थे कछुआ नगर नहीं मिली, इनके लिए समय सीमा निश्चित की गई है, उस बीच में काम नहीं करते ये लोग। देखो